सो हेलो ऑडियंस, वेलकम बैक टू आरडी व्लॉग्स। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। कैसा दिख रहा लाल शर्ट? जबरदस्त दिखा है नहीं? नहीं। जान दो बेइज्जती हो गए, ये सब चीजें साइड में रखेंगे। करीब साल डेढ़ साल से दोस्तों मैं लापता था, यूट्यूब पे दिख रहा था, हालांकि घर के बाहर भी नहीं निकल रहा था। अभी हॉस्टल में रहना, पढ़ना, करना, इसमें पूरा दिन चल जा रहा था। अब हॉस्टल को जाने का ही नहीं है, अब घर पे रह के पढ़ लेने का है। अब नीट का एग्जाम था मेरा, मैं फर्स्ट टाइम लिखा, क्वालिफाई नहीं हुआ था। सेकेंड टाइम लिखा, मेरे को सीट आई अयान मेडिकल कॉलेज में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मोइनाबाद के आगे है वो, MBBS में सीट मिली मेरे को। जुम्मे का दिन था, मैं जो सो कुरान पढ़ने बैठा था, अम्मी लेके बैठे थे मेरे को, तो रिजल्ट आने वाला भी था, वो सीट अलॉट भी नहीं हुई, वो मालूम होने वाला था उस दिन। मेरे को ख्याल नहीं आया मैं क्या करा, पढ़ लेते बैठ गया। होते हैं भैया आके बोल रहे कि को अयान कॉलेज में सीट है, बोलती कि क्या खुश, मालूम खुशी से आंसुआ निकल गए थे। जब मैंने सोचा था मेरे मार्क्स के हिसाब से मेरे को MBBS में सीट आएंगी बोल गया, लेकिन वो नसीब में लिखा हुआ था, क्या था नहीं मालूम। बहरहाल उम्मीद हार गया था मैं, लेकिन मेरे को सीट मिल गई। फिर क्या, सीट आ गई, अपन फुल खुश हो गए। उसके बाद जो सो रिपोर्टिंग कर लिए, सब हो गया। वो दो पेपर मिसिंग थे, दो पेपर नहीं दिया था मैं, एक गैप सर्टिफिकेट नहीं दिया, दूसरा माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बोल के रहता, वो दो देने का है। वो गैप सर्टिफिकेट तो मालूम कब की किच, लास्ट मंथ में एक डेढ़ महीना पहले अप्लाई करके आया था, उन्होंने बोले 4 दिन के बाद आके ले लो, बोले एक महीना निकल गया अब तक नहीं गया भाई। फिर वो माइनॉरिटी तो स्कूल से लेने का है, अब कॉलेज में रहता हूँ, कॉलेज से घर को आए तक का स्कूल बंद हो जाता, संडे गया तो स्कूल बंद रहता, कॉलेज भी बंद रहता, तो लीव भी नहीं लिया, नहीं ले सका मैं माइनॉरिटी अब तक नहीं लिया। कॉलेज वाले कल क्या करे मालूम, सैटरडे मैं माइनॉरिटी और गैप सर्टिफिकेट नहीं दिया, बोल के मैं कॉलेज में हूँ, प्रेजेंट हूँ, लेकिन उन्होंने एबसेंट डाल, मेरी अटेंडेंस काट दिया मेरी, आप ला के दियो उसके बाद प्रेजेंट डालते बोलो। तो आज मंडे है, मंडे में दोस्तों घर पे बैठ गया, अब वो माइनॉरिटी लेके आना है, उसके बाद वो मंडल ऑफिस से गैप सर्टिफिकेट लेने का है। वो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट रहता कहते, वो अपने पास नहीं है, वो मीसे वहाँ पे से लेना है पहले वहाँ जाने का। भाई वो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट निकालना है, वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट माइनॉरिटी स्टेटस। हाँ वो पिंक कलर की बिल्डिंग दिख रही है, वो ब्लैक का ठहरी भी है देखो। हाँ वो है देखो मेरा स्कूल। मैं सोचा स्कूल में गए बाद भी व्लॉग ऐसी कंटिन्यू करेंगे बोल के, लेकिन वहाँ पे अंदर गए बाद अचानक ऐसा प्रिंसिपल मैम आते कि फिर अच्छा नहीं दिखा मेरे को, अनकंफर्टेबल फील हुआ। मतलब टीचर है सामने, फिर अपन वीडियो बना रहे हैं, बोलते उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया वैसा, तो अच्छा नहीं दिखा, तो मैं फ़ोन बंद कर दे के अंदर रख लिया। आखिरी में क्या करा, वो पेपर ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट स्टैम्प करा लेके बाहर निकलते वक्त, मैडम आप कैसे हैं, मैडम आप थोड़े मोटे हो गए, हाउ आर यू बोल के था, उससे खुश खुश हो गए, थैंक यू मैं बहुत अच्छी हूँ ठीक हूँ बोल के खुश खुश हो गए। पहुंच गया मैं मंडल ऑफिस के पीछे, वो जो दिख रहा है ना वो पूरा मंडल ऑफिस है, वो वीडियो बना रहा हूँ तो लोग ऐसा देख रहे हैं, ये पेपर बता के ले लेके चल जाना है वो। हेलमेट शो ऑफ के वास्ते नहीं, सेफ्टी के वास्ते पहनो, तो हेलमेट जैसी भी है वैसी पहन लो, अच्छा खराब कुछ भी देखने का नहीं है इसमें, सेफ्टी पहले है अपनी। फाइनली वो जो दो सर्टिफिकेट्स होना था मेरे को वो मिल गए, मैं ले लेके आ गया। अभी क्या धूप थी मालूम, आखिरी थक गया, सोना है मेरे को, लेकिन अभी काम आया मेरे को घर के थोड़े, उन्ना वो गैप सर्टिफिकेट बोला ना मैं एक महीना हो गया, उन्ना 4-5 दिन में आके लियो बोले थे, अब गया तो क्या बोल रहे मालूम, नहीं है भाई वो कहाँ चले गए कि वो नहीं मालूम, एक महीने के बाद आए तो कहाँ से मिलता है वो, नहीं है फिर से अप्लाई करो, वो करो ये करो। फिर मैं उन लोगों को कैसा की रिक्वेस्ट करा, फिर उन्होंने ठीक है रुको देखता हूँ बोल के जाके निकाल के साइन वाइन मार के दिया उन्होंने। तो ये रहा हमारा गैप सर्टिफिकेट, ये तहसीलदार से आया सो है देखो, मंडल ऑफिस का स्टैम्प है, ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, ये स्कूल से ले लिया हमें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये लेफ्ट पॉन्ग के जो सो दो बोन्स डिसलोकेट हो गए थे मेरे, इसकी स्टोरी मैं अगले वीडियो में बोलता हूँ। अब फिलहाल क्रिकेट का मैच है पे हम लोग, अयान वर्सेस शादान, शादान को जाना है अपने वहाँ पे, शादान के ग्राउंड में है मैच। अभी ये वीडियो जो सो पहले बहुत लंबा हो गया, इसको मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू कर देता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम ORD व्लॉग्स। पीस आउट।
लाके 5 मिनट ना वहाँ पेपर मुड़ के आ दो।